मिशन 2018 जयस मिशन 2018 को सफल करने के लिए आज आप लोग आए। मैं जयस परिवार की ओर से यहाँ आए उपस्थित हुए सभी आदिवासी संगठनों, सभी जयस युवाओं और इस देश के समस्त बुद्धिजीवी युवाओं को, बुद्धिजीवी वर्गों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आज आजादी के 70 साल बाद भी हमारे आदिवासी इलाकों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, आज भी हमारी जो मूलभूत समस्याएं वैसी की वैसी है। आज आदिवासी इलाकों में भूखमरी जैसे जो हालात है, दक्षिण अफ्रीका के कई देशों के समकक्ष में देखे जाते हैं। आदिवासी इलाकों में कुपोषण, बेरोजगारी, आदिवासी इलाकों में बदतर स्वास्थ्य सेवाएं, आदिवासियों की जो जमीनें जबरन छीनी जा रही है, आदिवासी समाज के युवाओं को नक्सलवाद के नाम पे जेलों में डाला जा रहा है, आदिवासियों के लिए जो प्रावधान बनाए थे संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची, उनको जो अनदेखा किया जा रहा है, इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए हमारे देश की सरकार का, हमारी देश की सदन का, हमारी देश की संसद का, हमारी देश की मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज ये जयस मिशन 2018 हमको करना पड़ा। आज भारत के आदिवासी इलाकों से हमारे बेरोजगार युवा, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता आज दिल्ली में इस उम्मीद से आए कि ये देश की राजधानी एक ऐसा मंच है, यहाँ से हमारी आवाज संसद तक जाएगी, यहाँ से हमारी आवाज देश की जनता तक जाएगी। साथियों, हम आजाद भारत में किस स्थिति में है हम आप सभी जानते हैं। आज हमारे देश के ज्यादातर आदिवासी इलाकों में आदिवासियों को उनकी ही जमीनों से जबरन विस्थापित किया जा रहा है। आज टाइगर रिजर्व के नाम पे, या अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के नाम पे, या मेना संरक्षण केंद्र के नाम पे, या वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट सेंचुरी के नाम पे, या सरदार सरोवर जैसे बांधों के नाम पे हजारों आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया गया है। आजादी के 70 सालों में जो हमारे देश के कुल 10 से 12 करोड़ आदिवासी है, उनमें से 4 करोड़ आदिवासियों को अपनी ही जमीनों से विस्थापित किया गया है। आज हमारे संविधान में हमारे लिए आदिवासियों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू की गई या बनाई गई, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी संविधान की 5वीं अनुसूची के लागू होने के संबंध में देश के किसी भी राज्यपाल ने अभी तक कोई अधिसूचना नहीं जारी करी। आज देश के आदिवासी इलाकों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। आज देश के आदिवासी इलाकों में 5वीं अनुसूची के अंदर, पेशा कानून के अंदर हमको गांव के अंदर स्वशासन की कल्पना की गई है। जिले के अंदर जिला परिषद के रूप में स्वशासी जिला परिषद के रूप में स्वशासन देने की कल्पना की गई है, लेकिन आज भी देश के किसी भी 5वीं अनुसूचित राज्य में या 5वीं अनुसूचित जिले में जिला परिषद का सही से गठन नहीं किया गया, ना ही उस जिला परिषद के माध्यम से आदिवासियों को जो स्वशासन की परिकल्पना की गई थी, ग्राम सभा को मान्यता दी गई थी पेशा कानून में कि आप अपनी जमीन को बचाने का आपको अधिकार है। ग्राम सभा में कहा गया था कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी कंपनी आपकी जमीन नहीं छीन सकती है। ग्राम सभा के को यह पावर दिया गया था कि आप बाजार का प्रबंधन करेंगे, आपके ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले बाजारों में दारू या मदिरा का विक्रय होगा या नहीं होगा, ये ग्राम सभा को पावर दिया गया। ग्राम सभा को रूढ़ी प्रथा को मान्यता दी गई थी ग्राम सभा के अंदर, लेकिन रूढ़ी प्रथा मतलब जो प्राचीन काल से आदिवासियों की चली आ रही स्वशासन या प्रशासनिक व्यवस्था, उसको हम रूढ़ी प्रथा कहते हैं। लेकिन भारत के किसी भी आदिवासी इलाके में, 5वीं अनुसूचित इलाके में ग्राम सभा का पालन नहीं किया जा रहा है। आज रूढ़ी प्रथा की बात करने वाले आदिवासी जो ग्राम सभा के मुखिया है उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। आज जब ग्राम सभा किसी प्रोजेक्ट का विरोध करती है तो उनको नक्सलवादी घोषित किया जा रहा है। उड़ीसा के नियामगिरी पर्वत में जब वेदांता कंपनी ने
न्यामगिरी पर्वत को खोदने के लिए तैयारी करी तो वहाँ के जो डोंगरियाकुंड के आदिवासी थे उन्होंने कहा कि न्यामगिरी पर्वत हमारा भगवान है और हम इसको किसी भी कीमत पर इस पर्वत को नहीं तोड़ने देंगे। जब लड़ाई आदिवासियों की लड़ाई सरकार से कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ग्राम सभा की अनुमति लीजिए, अगर ग्राम सभा यह अनुमति देती है कि आप इस पहाड़ को खोद सकते हैं तो इस पहाड़ को खोदिए। तो वहां पे कई ग्राम सभाएं बिठाई लेकिन वहां के जो आदिवासियों ने एकजुटता दिखाकर एक कह दिया एक सुर में कि हम किसी भी कीमत पर हमारे भगवान को तोड़ने नहीं देंगे और उस ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर 20,000 करोड़ रुपए का वेदांता कंपनी का प्रोजेक्ट सरकार को 2013 में रद्द करना पड़ा। तो यह होती ग्राम सभा की ताकत। आज मध्य प्रदेश के धार जिले में एक अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर 32 आदिवासी गांवों को विस्थापित करने की शिवराज सरकार ने योजना बनाई। हमने कहा कि आप ये कैसा विकास चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक सीमेंट फैक्ट्री के नाम पे गांव को 32 गांव के आदिवासियों को खत्म करके कैसा विकास करना चाहते। हमने 11 मार्च को मध्य प्रदेश के धार जिले में मंच से ऐलान किया है जेएस के मंच से कि अगर प्रदेश की शिवराज सरकार ने 2018 विधानसभा से चुनाव से पहले आदिवासियों की जमीन कानूनन वापस नहीं करी तो 2018 विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। देश का वादा है, हम देश की मोदी सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि भारत देश में जितने भी आदिवासी इलाके हैं किसी भी आदिवासी गांव को विस्थापित किए बिना विकास करिए, नहीं तो 2019 में आपको भी उखाड़ के फेंक देंगे। हम ऐसा विकास कतई नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों के जल जंगल और जमीन छीन कर आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का विकास करें, आप टाटा बिड़ला और अंबानी का विकास करें। हम ऐसा विकास चाहते हैं जहां पे भारत के ग्रामीण इलाकों का भी उनको भी इस देश में बराबरी का हक मिलना चाहिए। आज देश के मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो झारखंड हो उड़ीसा हो, आजादी के 70 साल पहले जो आदिवासियों की हालत थे, आजादी के 70 साल पहले इन राज्यों में आदिवासी कोष्ठी पहन के बेटा था या लंगोटी पहन के बेटा था, आजादी के 70 साल बाद भी वही आदिवासी लंगोटी पहन के बेटा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि इन 70 सालों में देश के आदिवासियों का विकास हुआ? 70 सालों में किसी भी प्रकार से हमारे देश के भोले भाले आदिवासियों का विकास नहीं हुआ। आप लोगों ने विकास के नाम पर आरक्षण का झुंझुना पकड़ा कर आप लोगों ने आदिवासियों का जमीन बड़े ही पैमाने पर आदिवासियों की जमीन विस्थापित आदिवासियों की जमीन हथियाई है। आपने आजादी के इन 70 सालों में आदिवासी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को जबरन फर्जी मुकदमे में डालकर जेलों में बंद किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि प्रदेश के 60,000 आदिवासियों के ऊपर दर्ज क्रिमिनल केस वापिस किए जाएंगे। हम देश की मोदी सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि भारत के सभी राज्यों में जितने भी आदिवासियों पर फर्जी मुकदमे डालकर उन्हें जेलों में बंद किया गया है उन्हें आप रिलीज किया जाए। आज भारत के आदिवासी इलाकों में भूखमरी, कुपोषण, गरीबी, पलायन जैसी गंभीर समस्या है। संसद को इस पर चर्चा करना पड़ेगा। 5वीं अनुसूची की समीक्षा के लिए संसद को चर्चा करना पड़ेगा कि आज आदिवासी इलाकों में इस देश के मूल लोगों के साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज यह संसद घेराव 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए है। हम देश की सरकार से अनुरोध करते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए अधिसूचनाएं जारी करिए। हमारे देश में आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ऐसी योजना लाई है जिनका फायदा भारत के ग्रामीण आदिवासियों को मिलना चाहिए। आज हमारे देश में हमारे जय शिवा झारखंड से संजय पहान जी जो हमारे प्रभारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे तेलंगाना से नरसिम्हा जी, गुजरात से अर्जुन राठवा जी, छत्तीसगढ़ से राम नारायण टेकाम जी, राजस्थान से सुरेंद्र कटारा जी और ऐसे कई युवा हैं जो आज जेएस के माध्यम से देश के आदिवासियों को नया नेतृत्व देने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम
जयस युवा 2018 और 2019 में आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अगर आदिवासियों की मांगे नहीं मानी गई तो जयस के समर्थन में नए युवा नेतृत्व तैयार खड़े करेंगे। हम देश में हजारों आदिवासी युवाओं को लीडिंग नेतृत्व सीप के लिए मोटिवेट करेंगे और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जयस के समर्थन में कई आदिवासी युवाओं को हम लोग विधानसभा और लोकसभा में भेजने के लिए जयस समर्थन करेगा। आज इस प्रोग्राम के लिए हमको सब तरफ से सहयोग मिला, देश के कई आदिवासी संगठनों ने सहयोग किया, यहाँ तक कि यहाँ का दिल्ली पुलिस ने भी हमको सहयोग किया। जयस की ओर से हम सब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी यह लड़ाई पूरी नहीं है, हमारी यह लड़ाई यह शुरुआत है, यह तो फिल्म का ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म अभी बाकी है। साथियों अभी शाम को 7 से 9 बजे तक हम लोगों ने प्रेस क्लब में ये जो कई आदिवासी संगठन आए हैं उनके मुखियाओं के साथ कुछ बैठक रखी है, तो विशेष अनुरोध है कि उस बैठक में आप सभी उपस्थित रहेंगे और आप सभी को इस लड़ाई को इस मोमेंट को सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित सभी आदिवासी संगठनों मीडिया समूह प्रशासन को पूरे जयस परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे साथ एक बार कुछ नारे लगा लीजिए, लड़ेंगे लड़ेंगे आदिवासी एकता, आदिवासी एकता।